नमस्कार, एनसीआर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह हरियाणा में सरकारी स्कूल के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकेंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों के टीचरों को इस तरह का ज्ञान दिया जा रहा है जिससे टीचर सरकारी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट कर सकेंगे। शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी दोनों ही पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश बोलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी अनीता शर्मा की माने तो आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों तरह ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं, इसलिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में पहले सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बच्चों की इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये हमारे हरियाणा सरकार द्वारा जो है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों का इंग्लिश का स्तर जो है वो ऊंचा उठे, वो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह से इंग्लिश में जो है बोलें, इंग्लिश में बात करें, उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है। 8 दिन का PGT इंग्लिश का है और 8 दिन का TGT इंग्लिश का है। वो नए नए तरीके डिजिटल इंडिया है तो उनको किस तरह से डिजिटल के लिए बच्चों को इंग्लिश जो है प्रमोट की जाए, ये ट्रेनिंग चलाई जा रही है। So actually the motive behind this training schedule is to find out the problems that being a teacher is facing in the class so that the student is not able to reach the target or get score the passing mark. So जो इस training schedule का जो main मकसद है, जो purpose है, वो ये discuss करना है कि कहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो उस स्तर तक नहीं पहुँच पा रहे English subject में जो स्तर उनका होना चाहिए 9th, 10th, 11th, 12th के स्टैंडर्ड पे। सो बीइंग टीचर हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं, ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं या वो कौन से तरीके हैं जिससे हम और इस शिक्षा के स्तर को और बेहतर बना सकते हैं और बच्चों में अपने सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं या उनको और बेहतर तरीके से। इन द मंथ ऑफ नवंबर वी वेंट टू पंचकूला, वी वर कॉल्ड फॉर द ट्रेनिंग, 2 days ट्रेनिंग, and we were told there that you have to improve the teachers by training them how to make the good results of the students, because this seminar is the target, aims and objective of this seminar is to improve the result of the poor students, because most of these students in government schools remains fail in examination. Then what are the ways through which we can improve their result? आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मारवाड़ी युवा मंच ने हवाई सफर कराया। जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करके जमकर मस्ती की। सामाजिक दायित्व और सेवा के क्षेत्र में अलग पहचान रखने वाले मारवाड़ी युवा मंच फरीदाबाद ने आर्थिक रूप से कमजोर 35 प्रतिभावान छात्राओं को दिल्ली से जयपुर हवाई सफर करवाया। जयपुर पहुंचने पर सभी बच्चों ने भ्रमण किया और जमकर मस्ती की। शहर के प्रख्यात उद्योगपति MP रोंगटा ने सेक्टर 37 से हरी झंडी दिखाकर बच्चों में भरी बस को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सुबह रवाना किया था। उन्होंने कहा है कि प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करना सभी का एक सामाजिक कर्तव्य है। मारवाड़ी युवा मंच कार्य सराहनीय है। मैं सबसे पहले तो आए हुए समस्त बच्चों को और जितने भी आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनमें ये भावना डेवलप हुई कि समाज के निम्न वर्गों में जहाँ पर इस तरह की पहुँच भी नहीं हो पाती है वहाँ पर इन लोगों ने एक व्यवस्था की और यहाँ से जयपुर तक ले जाने की जो इन्होंने बच्चों के लिए उड़ान भरी है, ये बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय है। मैं मान के चलता हूँ कि इस तरह का प्रयोजन आज के द्वारा युवा समाज द्वारा, युवा मारवाड़ी मंच द्वारा जो किया गया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले टाइम में इन विचारों से समाज के उन वर्गों का जिनका हमेशा एक प्रकार से तिरस्कृत होता रहता है, इन लोगों ने एक व्यवस्था ये की है कि समाज के उन बच्चों को जो बहुत ही टैलेंटेड हैं एक स्कूल से इन्होंने उनको एक स्कूल से उनको लिया गया और उन बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई ताकि उनमें ये फीलिंग डेवलप हो कि अगर हम में अगर टैलेंट अगर है तो उस टैलेंट के अगर आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के बाद भी समाज के ऐसे वर्ग अभी भी खड़े हैं जो उनको इस मामले में ऊपर ले जाने में बहुत बड़ा अपना योगदान। बढ़ते आगे 5 राज्यों में आए चुनाव नतीजों से जहां देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया, वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 31 स्थित तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक ललित नागर के कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं में चुनाव नतीजों के बाद जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 31 स्थित तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक ललित नागर के कार्यालय का है जहां मंगलवार को 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया।
और वे ढोल नगाड़ों के थाप पर जमकर झूमे नाचे। इस मौके पर विधायक ललित नागर ने कांग्रेस का झंडा फहराकर और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने 5 राज्यों में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बधाई दी। इस मौके पर विधायक ललित नागर प्रधानमंत्री पर भी तंज कसने नहीं चूके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अब और कोई देश ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य होगा कि देश को बीजेपी मुक्त बनाया जाए। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को जुमलेबाजों की सरकार करार दिया। आज 5 राज्यों के अंदर चुनाव नतीजे आ चुके हैं। 5 राज्यों के अंदर 3 में तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है और तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम सब कार्यकर्ता उन प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं कि आज बहुत अच्छा 3 प्रदेशों के अंदर हमें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि भाजपा पार्टी का, मोदी सरकार का, जुमलेबाज पार्टी का इन 5 प्रदेशों के अंदर खाता भी नहीं खुला, 1 प्रदेश में भी नहीं आई। इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी का अब सुपड़ा साफ होगा और आने वाले समय में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या हरियाणा प्रदेश के चुनाव हो, सभी के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी और सरकार सत्ता में आएगी। उस नारे का क्या होगा? मोदी जी कोई और देश ढूंढे इस बात के लिए कि कांग्रेस मुक्त, ना आज तक कांग्रेस मुक्त भारत बना और ना बनेगा। अब आगे भाजपा मुक्त भारत बनाने का हम काम करेंगे। अब भाजपा मुक्त भारत होगा आने वाले समय में। नगर और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए जिला प्रशासन ने दुकानदारों को डस्टबिन खरीदने के लिए मजबूर किया। बल्लभगढ़ के SDM के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में दुकानदारों को सड़क पर कूड़ा न डालने की नसीहत दी गई। बल्लभगढ़ के SDM राजेश कुमार ने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बल्लभगढ़ शहर को गोद ले रखा है। उनका मकसद यह है कि शहर साफ और स्वच्छ रह सके, इसलिए शहर में चारों तरफ दुकानदारों के सामने डस्टबिन रखवाए जाएंगे ताकि दुकानदार डस्टबिन में अपने कूड़ा डाल सके। शहर के इको ग्रीन कंपनी की कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया है। बढ़ते आगे, पुलिस आयुक्त ने वेलफेयर मीटिंग का आयोजन कर फरीदाबाद पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान किया। वेलफेयर मीटिंग में पुलिस आयुक्त संजय कुमार के अलावा क्राइम यूनिट और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से शमशेर सिंह और मौजूद पुलिस कर्मियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। यहाँ पुलिस आयुक्त ने मीटिंग में मौजूद सभी पुलिस कर्मियों से एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी। पुलिस कर्मियों ने पुलिस आयुक्त को बताया कि कुछ थानों में और चौकी में वाटर कूलर, सोने के लिए बेड, बाथरूम, व्हाइट बॉल्स और कुछ थाना चौकी के बिल्डिंगों में मरम्मत की जरूरत है और बारिश में पानी भी इकट्ठा होता है, जिस पर पुलिस आयुक्त ने तुरंत प्रभाव से बिल्डिंग की मरम्मत कराने, बाथरूम बनवाने और व्हाइट वॉश कराने के लिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को आदेश दिए, जिस पर जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि पुलिस कर्मी की 24 घंटे ड्यूटी होती है, जिसके चलते उनकी कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनको वह किसी को नहीं बता सकते। तो वहीं पुलिस प्रवक्ता खूबे सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा है कि सभी थाना चौकी इंचार्ज अपने अधीन पुलिस कर्मियों के साथ अच्छे से बर्ताव करें और उनकी समस्याओं को समझें। बढ़ते हैं वही बात बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ में अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन बहाना बनाकर अवैध रूप से बन रही बड़ी बड़ी इमारतों की तोड़फोड़ की कार्रवाई को भी रोक देता है, जिसका उदाहरण बल्लभगढ़ की बहुमंजिला गोकुल धाम सोसायटी को तोड़ने के लिए नगर निगम का दस्ता गया था। वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई नाम मात्र के लिए हुई और दस्ता वापस बेरंग लौट गया था। उस समय अधिकारियों ने कहा है कि उसके लिए बड़ी मशीनें मंगवाई जाएंगी, लेकिन हफ्ता बीत जाने के बाद भी ना तो कोई मशीन आई है और ना ही कोई तोड़फोड़ हुई। काम कार्रवाई की जा रही है, तोड़ा जा रहा था, प्रोग्राम जाम किया जा रहा है, प्रोग्राम मिलते ही इसको तोड़ दी जाएगी और हम ढूंढ रहे हैं कि कोशिश करेंगे प्रोग्राम को तोड़ दी जाएगी। जनरल कमिश्नर साहब, 4 मंजिला इमारत बन चुकी है, क्या निगम के आज तक भी संदर्भ में नहीं थी? जैसे संदर्भ में एकदम फिर उससे कार्रवाई की गई है। जो फ्लैट बन रहे हैं सर, किसकी जमीन पर है ये नहीं बता दी सर। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर बाहर जो जगह कब्जे की जगह है, इस पर 3 बार कार्रवाई हो चुकी है, तोड़ी भी जा चुकी है, लेकिन फिर से कब्जा हो चुका है। जो हमें मिट्टी फेस की जा रही है, ये देखिए मैंने अभी चेक करवाऊँ किसी जमीन कौन से बना रहा है ये। सर, इस फ्लैट के साथ में दूसरा फ्लैट और बने हुए हैं, वो कंपल्सरी कंप्लीट हो गए हैं और लोग उसमें रह रहे हैं, तो वो भी क्या वो पहले के बने हुए हैं, इस बारे में पता नहीं है मुझे। सर, इस तोड़फोड़ के पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है क्या? नहीं, कोई कारण नहीं है। इसको डिमोलिश करने के लिए पोकलेन मशीनें आ रही हैं 2, ठीक है ना। अभी काम रोका गया है इसलिए कि पिलर निकाल देंगे तो ये सारी बिल्डिंग JCB के ऊपर गिरेंगी।
ठीक है ना। तो चार इमारत भी बिल्डिंग को गिराना उतना आसान नहीं है। तो कब तक हो पाएगी सर ये? पोकलेन मशीनें ढूंढ रहे हैं, मिलेगी, यहीं बैठे हैं सारे शाम तक। सर जिस जमीन पर बने हुए हैं ये जो फ्लैट बने हुए हैं, किसकी जमीन है सर? ये सारी डिटेल MCF या हुड्डा बता सकता है, मैं आज यहाँ पे ड्यूटी में स्टेट हूँ। बढ़ते हैं आगे। पलवल में रात के समय फोन करके घर से बाहर बुलाकर कक्षा 9वीं की दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छात्रा की मेडिकल जाँच कराने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भाई 9th क्लास की है लड़की, वो कहती है कि भाई रात ना मैं अपने घर पे सो रही थी तो एक फ़ोन मेरे मम्मी के फ़ोन पर फोन आया जिसने मुझे धमकी दे दी बाहर। मैं बाहर निकल गई डर के मारे और उसने आगे बुला के मुझे अपने एक खाली घर में लेके मेरे साथ दूसरा 376 पॉक्सो में हमने पर्चा दर्ज करके मेडिकल करा दिया है लड़की का, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, आज पेश अदालत किया जाए। पलवल के गांव मेघपुर में 9 एकड़ जमीन पर बनाए गए कूड़ा निस्तारण केंद्र मामले को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम CTM को अपना मांग पत्र सौंपा और गांव की जमीन से इस डंपिंग यार्ड को खत्म करने की मांग की। ग्रामीणों के इस मांग पत्र को BJP पार्टी की तरफ से भी समर्थन दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 1956 के समय गांव के विकास के लिए चकबंदी के समय करीब 9 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसमें उनके श्मशान घाट, तालाब और स्कूल बनाना था, लेकिन कमेटी में गांव की शामिल होने के बाद कमेटी ने वहां पर आनंद फानंद में डंपिंग यार्ड बना दिया। इस मामले को लेकर उन्हें कोर्ट से जीत मिली, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें तालाब की जगह को खाली नहीं किया गया और इसी को लेकर वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। मांगे जो भी थी जायज थी, जो ज्ञापन दिया गया है वो 9 एकड़ जमीन को लेकर दिया गया है, जो कि इन आम गांव के वासियों को दी गई जमीन थी, जिसमें इनके शमशान घाट वगैरह, इनकी कट्टी, इनके तालाब और इनके कुएं, कई ऐसे आइटम थे जिनके लिए गवर्नमेंट ने पहले से इन्हें जमीन दी हुई थी। लेकिन उस जमीन पे प्रशासन, आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है, जो उसे अपने कब्जे में ले चुका है और उस जमीन पे आप जाके देखिए कूड़े और करकट के इतने ढेर लगा दिए हैं कि वहाँ के आम लोगों को भी, जो गाँव में रहने वाले हैं, आप घुस के देखेंगे तो मक्खी मच्छरों का इतना तगड़ा आतंक है, बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। और जहां आज हमारी सरकार कहती है कि हम गरीबों को बसाएंगे, गरीबों के लिए घर बनाएंगे, गरीबों को शिक्षा देंगे, गरीबों को स्कूल देंगे, इस गांव के लिए आज तक दिया तो कुछ भी नहीं है, बल्कि दलितों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है। दलितों के जो उनको दिया गया था, क्योंकि इन्हें आज इस सरकार में जो दलित हैं उनको दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है कि इनकी मनमानी दलितों पे ही चल सकती है। इन्होंने इस कट्टी, जो आज ये कूड़े का ढेर, करकट का ढेर यहाँ पे लगा रखा है, इसे कई गांव में जहाँ लगाने का पहले प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ इनका वोट बैंक ज़्यादा था या सामने वाले मजबूत लोग थे जहाँ पे नहीं लगा के, इन गरीबों को जहाँ ये नहीं बोल सकते, जहाँ इन्हें दबाने की पूरी कोशिश की है, वहाँ पे यहाँ पे कूड़े का, करकट का ढेर लगाया गया। इनका तालाब, जिसका ये केस भी जीत चुके हैं, उस तालाब का जो अभी आपने बताया था, इन ग्रामीणों ने बताया था, उस तालाब को भी कूड़े करकट के ढेर से ऐसे भर दिया गया, जबकि ये तो कहते हैं तालाब की सफाई होनी चाहिए, लेकिन कूड़े करकट के ढेरों से ऐसे तालाब भरा गया है। आप अगर जो उसे खोद के देखेंगे तो उसमें से कम 10-15 फुट तक पॉलोथीन और कूड़ा करकट या किसी जानवर की भरे हुए डोर जानवर उसमें दबे हुए मिलेंगे आपको। तो ये बहुत ही इनके साथ अत्याचार है। जब भी इन्होंने 1.5-2 साल से आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन जब भी इन्होंने आवाज़ उठाई है, इस सरकार द्वारा इनकी आवाज़ दबा दी गई है। गांव में सर 1955-56 में हमें चकबंदी के समय बेजमीन लोगों को, दलितों के लिए आरक्षित जमीन खरीदी थी कुछ गांव के विकास कार्यों के लिए, लेकिन हमारा गांव कुछ दिनों से कमेटी में जुड़ गया है और कमेटी ने आनंद फानंद में वहाँ कूड़े का ढेर लगाना शुरू कर दिया और हम अधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन अधिकारियों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है और वहाँ मक्खी मच्छरों से, प्रदूषण से बहुत परेशान है। हम शमशान घाट में, शमशान घाट भी है हमारा, वहाँ गौचारे के लिए जगह भी है, हड्डा रोड़ी भी है, किसी काम पर्पज से जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आती है, हमें बहुत गंदगी है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो गांव के विकास के लिए जगह छोड़ी गई है वो गाँव के ही विकास कराए जाएँ उसमें, ना कि किसी का कब्जा हो उसमें।
बढ़ते आगे फरीदाबाद के गांव अंजरौंदा के रहने वाले सचिन ने सेना में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती होकर अपने गांव और जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। सचिन पूरे फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कई गांव में अकेले युवा इन हो गए हैं जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी को पास कर लेफ्टिनेंट के पद पर बैठकर अब देश की सेवा करेंगे। सचिन ने सभी युवाओं के लिए भी कहा है कि वे भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों और देश सेवा के लिए सेना को ज्वाइन करें। बहुत बहुत खुशी की बात है जी, बहुत ही भगवान का बड़ा शुक्र है, इनका अपनी मेहनत कर्म इनका मेहनत का फल है और भगवान का शुक्र है। बहुत जो गांव के और भी बच्चे हैं उनके लिए भी प्रेरणा बना है आज सचिन, तो गांव के और युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सबको बच्चों को लगन होनी चाहिए ऐसी, और ऐसे ही देश का नाम करें, ऐसे से भर्ती करें, मेहनत करें, ये नशा आदि चीज़ों को छोड़ें, इनसे अलग रहें और इस लाइन में पढ़ें। पूरे देश में आज सचिन ने गांव अजरौंदा का नाम चमकाया। हाँ सर, गांव का नाम चमकाया पूरे देश में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मैंने एक दोहर बना इस बात में। हाँ जी। अरे ए भारत के वीर सचिन तू नाम देश कर कर दीजो, जब दुश्मन से भिड़ जाए तो उसके छक्के छुड़ा दियो। मैंने UPSC की परीक्षा दी है जिससे मैं सीडीएस एंट्री से इंडियन मिलिट्री अकेडमी में सिलेक्ट हुआ, परमानेंट कमीशन के लिए इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स के लिए। और मेरा अभी स्टार्टिंग रैंक है 18 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इंडियन मिलिट्री अकेडमी से अभी मैं 8 दिसंबर 2018 को लेफ्टिनेंट के पद पर सिलेक्ट हुआ। कैसा महसूस हो रहा है कि आप गांव के इकलौते फिलहाल लेफ्टिनेंट बने हैं, आप तो कैसे महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अपनी इस पावन भूमि पर वापस आकर, अपनी इस जमीन पर वापस आकर, अपने गाँव की पर, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं कि, और मैं एक ही आशा रखता हूँ कि सारे जो युवा हैं और जो मेरे से जूनियर हैं, जो मेरे से छोटे हैं, सारे भाई मुझसे मोटिवेट हों और आगे बढ़कर देश का नाम करें। खुशी है, बहुत बहुत खुशी। और जो इसके उम्र के लड़के हैं, युवा हैं जो गांव के अंदर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये चाह रही हूँ इसी की तरह और भी बच्चे नाम करें, माँ बाप का नाम रोशन करें कि जैसा मेरा बेटा बना, सबके बच्चे अफसर बन के आए। फिलहाल मेरे साथ एनसीआर टाइम्स में इतना ही, नमस्कार।